जय श्री कृष्ण। आज हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त रूप और सनातन भाइयों के ऊपर ईश्वर की कृपा देखते हैं। रूप और सनातन दोनों भाई थे, वृंदावन में अलग अलग रहकर भजन करते थे। एक दिन सनातन जी अपने छोटे भाई रूप जी के पास राधा कुंड पर आए। दोपहर हो आई थी। रूप जी एक ग्रंथ लिखने में तल्लीन थे, इसलिए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सूरज सिर पर आ गया है। सनातन जी ने देखा कि एक किशोरी अपनी ओढ़नी से उनके ऊपर छाया किए हुए है, और वह किशोरी भी अति सुंदर, सुकुमारी, गौर वर्णा, मनमोहक। सनातन जी देखते ही रह गए। वह उनकी ओर देखकर मुस्कुराई और फिर नहीं दिखी। वे समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा हैं। कुछ डांटते हुए से वे रूप जी से बोले, रूप, ये तू क्या कर रहा था? भैया, आप क्या हुआ? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? ऐसे धूप में बैठकर लिख रहा है और तेरे कारण राधा रानी कष्ट पा रही हैं। अब से ऐसे ना रहा कर, कुटिया बना कर रहे। रूप जी की आंखों में आंसू आ गए सुनकर। हमारे जैसे जीवों का भी भगवान इतना ध्यान रखते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें इतना अपना मानते हैं, हमारे कष्ट उन्हें तकलीफ देते हैं। फिर रूप जी कुटिया बनाकर रहने लगे। नंदगांव के पास एक जगह है टेर कदम, जहां उन्होंने कुटिया बनाई और वहीं रहकर भजन करने लगे। एक दिन सनातन जी उनके पास आए। रूप जी उन्हें बैठा कर भीतर गए। कुछ व्यथित से हैं, कुछ हर्षित से हैं, मन ही मन कह रहे हैं, ओह, आज मेरा कैसा सौभाग्य कि कृष्ण कन्हैया, राधिका के प्रिय भक्त मेरे पास आए हैं, और कैसा दुर्भाग्य कि सेवा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पक्कड़ व्यक्ति क्या स्वागत करूं, क्या सेवा करूं, क्या अर्पित करूं, क्या सुख पहुंचाऊं? जी तो चाहता है कि उनके चाहने वालों के लिए प्राण न्यौछावर कर दूं। मेरा मन हर्षाति रेख से बावला सा हो रहा है, परंतु मुझ दीनहीन के पास कुछ भी तो नहीं है। और कुछ नहीं तो थोड़ा दूध, शक्कर और चावल ही होते तो खीर ही बनाकर खिला देता। पर तभी द्वार पर एक बालिका आई और आवाज लगाई, रूप जी बाहर आए। बालिका बोली, बाबा, यो कछु दूध, चावल और मिश्री मोरी मैया ने भिजवाई है। कह रही ही कि तहां बाबा को दिया, भजन करता रहे, भूखा होएंगा तो ई ले लो। रूप जी भरी आंखों से हाथ जोड़कर, लाल आली, तोरी मैया को शत शत प्रणाम मेरो। का नाम है तेरो? बड़ी प्यारी है री तू। सामान लेओ बाबा और मोहे जावन दो। नाम गांव बतावा को समय ना है मोरे पास। मैया मोहे डांटेगी, जल्दी लेओ। पास का टीला पर जानो है मोहे, देर है जावेगी। रूप जी हाथ फैला कर, ला दे लाली। बालिका ने सामान दिया और चली गई। रूप जी कुछ होश संभालते से भीतर आए और खीर पकाने लगे। आंसू बहे जा रहे हैं। पूरे समय उस लाली की सूरत याद आती रही और उसकी बातें मन में चलती रहीं। नाम गांव बतावा को समय ना है मोरे पास। दूध चावल अरु मिश्री मोरी मैया ने भिजवाई है। सामान लेओ बाबा अरु मोहे जावन दो। ऐसे ही कुछ आधे होश में उन्होंने खीर बनाई और भोग लगाकर सनातन जी को परोसी। सनातन जी बोले, ये ऐसा कैसा हो रहा है तू रूप? आंखें लाल लाल हैं, गिरता पड़ता सा चल रहा है। जाने क्या हुआ है भैया, बहुत याद आ रही है प्रिया प्रीतम की। सो तो है ही, उनके सिवा अपना है भी कौन। फिर सनातन जी खीर खाने लगे। ये कैसी खीर है? ऐसा लग रहा है जैसे अमृत ही हो। इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? ऐसा तो आज तक कुछ नहीं खाया, चक्कर तो देख।
मैं तो होश में ही नहीं आ पा रहा जब से उस लाली को देखा है। कुछ अंतर में डूबते हुए से रूप जी कह रहे हैं, कैसी भोली प्यारी थी, जैसे संसार की रीत से बिल्कुल ही अनजान हो। उसकी आवाज कैसी मधुर थी, जैसे वाद्य बज रहे हो, संगीत बज रहा हो। उसकी चाल कैसी मधुमाती थी, जैसे अपने संग पवन को भी बहा लिए जा रही हो। तू किसकी बात कर रहा है? रूप जी ने सारी बात बताई। दोनों ने जाकर उस बालिका की खोज की, लेकिन आज से पहले ना वो दिखी थी ना आज के बाद दिखी, ना कोई ऐसा टीला देखा उस दिशा में जहां उसने बताया था। दोनों भाई रोने लगे, कैसी कृपा कैसा प्यार उनका। बोलो भक्त रूप जी की जय, बोलो भक्त सनातन जी की जय, बोलो भक्तों के प्यारे युगल सरकार की जय।